थाना रिजोरा काला पकड़ा 25,000 की इनामी बदमाश, जिस पर मध्य प्रदेश व राजस्थान के स्थानों पर लगभग 9 प्रकरण पंजीबद्ध है। धरपकड़ अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया के निर्देशन में तथा एसडीओपी दीपाली चंदौरिया के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक संजय सिंह किरार, उप निरीक्षक सचिन पटेल, सहायक उप निरीक्षक अरविंद भदौरिया, आरक्षक 500 मंगल सिंह, आरक्षक 1110 योगेंद्र सिंह, आरक्षक 1165 अनिल सिंह, आरक्षक 1298 प्रदीप सिंह, आरक्षक 709 अरविंद सिंह की सराहनीय भूमिका निभाई। गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है और धौलपुर में एक बार इसने जो है लुका गुर्जर को पेशी में ले जाने के दौरान जो है इसने पुलिस वालों के आंख में मिर्ची झोंक करके उसको छुड़ाने का भी प्रयास किया था, हालांकि उसमें सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद इसने जो है यहाँ पे भी मुरैना में भी कोतवाली थाना क्षेत्र में फायरिंग की थी और दो समुदायों के बीच में इसने बेमनस फैलाने का प्रयास किया था। इसके अलावा इसके गुना में भी कई बोलेरो ट्रैक्टर वालों से अवैध वसूली और डकैती करने का, लूट करने का इसका रिकॉर्ड रहा है। इस पर 9 अपराध हैं इस पर और कुल 25,000 का इनाम इस पर घोषित है। 10,000 का इस पर मुरैना से, 10,000 का धौलपुर से, 5,000 का गुना से है और इसको जो है लगातार जो है सर्चिंग के दौरान और मुखबिर सूचना पर से इसको पकड़ा गया है और पकड़ करके इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर ये अकेला ही इन्वॉल्व था कि और भी सदस्य? इसमें देखिए जैसे लगातार सर्चिंग चलती है, आपने देखा होगा कि लगातार एक QRF की जो टीम है वो जितने भी बिहड़ के इलाके हैं उन सभी पे लगातार सर्चिंग करती है और एक हमने बताया था कि एक टीम है जो कि काम करती है जितने भी ऐसे इस तरह के जो न्यूसेंस क्रिएटर हैं, जो पुराना जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, खतरनाक क्रिमिनल है, उनकी पदारसी के लिए। तो वहाँ से मुखबिर सूचना आई थी कि इसका जो है के आसपास इसका मूवमेंट है, तो वहां पे इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया है।